subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम की, आप कैसे बेटर वे में अपना प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेशली फॉर जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और जो बहुत टाइम से अपना प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। सो एज अ रिमाइंडर, एज अ रिवीजन आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देने के टाइम पे और एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि आप कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड आपका मैक्सिमम स्कोर आप कैसे यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, करंट अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है मेंस एग्ज़ाम के लिए, प्री के बाद आप मेंस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सारे जितने भी डाउट हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश में 30 एंड 35 मार्क्स का आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 60 मिनट मिलते हैं एंड ईच सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट गिवन होते हैं। राइट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस की। मेंस एग्ज़ाम में जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे आता है वो होता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, 35 मिनट लगते हैं इसको आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 35 मिनट मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। एंड टोटल आपका 2 hours 40 minutes का एग्ज़ाम होता है। 45 मिनट्स के आपके क्वांट एंड रीजनिंग रहेंगे और आपका 35 मिनट का आपका इंग्लिश। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इंग्लिश में, 40 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश का होता है। एंड 50 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ही आपका मार्क्स रहता है टोटल। एंड 50 आपका रीजनिंग आएगा एंड 50 आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इंग्लिश का 40 है, क्वांट का 50 है, रीजनिंग का 50 है और यहाँ पे जनरल एंड फाइनेंशियल का 50 है। तो देखिए, रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, क्वांट भी बहुत सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, बट इंग्लिश हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग भी होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका नहीं होता है उनको क्या करना है, अपना करंट अच्छे से तैयार करना है। रीजनिंग में आप जितना स्कोर कर सकते हो, राइट, अगर 40 में से आप 48 भी स्कोर कर पा रहे हो आपको करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगी। क्वांट में 50 में से सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा आपका, 42 से 45। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं इतने ज़्यादा अटेम्प्ट, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चंस आपके ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, सो 42 से 45 आपके सेफ अटेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे पहले। ओके, रीजनिंग का जो सिलेबस है 35 मार्क्स का आपका प्री में आता है। राइट, अभी मैं प्री की बात करूंगी, मेंस की बात नहीं करूंगी। 35 मार्क्स का आपका प्री में पूछा जाता है रीजनिंग, जिसमें कि 15 मार्क्स और 20 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है आपका एग्जाम रीजनिंग का। क्यों मैंने ऐसे बोला, 15 मार्क्स में आपके 5x5 के सेट्स में पजल्स पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं, इनमें भी वेरिएशंस रहते हैं आपके। ठीक है, सेम टाइप ऑफ पजल्स कभी भी किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछी जाती, मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड 20 मार्क्स का आपका क्या रह जाता है, जो आपके 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैं डायरेक्शन डिस्टेंस का मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपके 2 questions निकाल दिए। ठीक है, इनइक्वालिटी के 5 questions निकाल दिए, सिलॉक्स के 3 questions निकाल दिए या 5 questions निकाल दिए, तो ऐसे करके आपके 20 marks यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी इसी में आ जाता है 20 marks में आपका, ऑर्डर रैंकिंग भी 20 मार्क्स में आपका इधर आ जाता है। ठीक है,
तो ये वेरी करता है, यहाँ पे हर शिफ्ट में अलग अलग आपके चैप्टर दे देते हैं, किसी में आपका डायरेक्शन डिस्टेंस डाल दिया, तो किसी में ब्लड रिलेशन डाल दिया। तो कहने का मतलब ये कि सारे चैप्टर्स के, जितने भी आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं, सबके आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, रीजनिंग के, ऑलरेडी सबकी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। सिलॉग्स की मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, रिवर्स सिलॉग्स कराया है, ठीक है, और इनइक्वालिटी में कोडिट कराई है, रिवर्स कराई है, तो सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे 35 मार्क्स का आपका पेपर होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि 10 आपका अर्थमेटिक आ जाता है, बाकी का जो बचा आपका 25 मार्क्स का, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगा, डीआई रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नंबर सीरीज रहेगी, रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगी, ठीक है, और आपका बचा हुआ 10 मार्क्स का आ जाता है डीआई, राइट। अब क्या करना है, जो अर्थमेटिक का, सॉरी अर्थमेटिक आता है 10 मार्क्स का, सो 10 मार्क्स में आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अर्थमेटिक वीक होता है, हर किसी का अर्थमेटिक अच्छा नहीं होता, तो आपको क्या करना है, इस 10 मार्क्स में से आपको 6 तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, 6 to 7 आपको मार्क्स लाने हैं। वो कैसे ला सकते हो आप, अगर आपके 6 भी आ जाते हैं इधर से तो भी आपके सेफ अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे अर्थमेटिक के सारे सही होने चाहिए, राइट। अब आप वो कैसे कर सकते हो, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क इन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंशुरेशन, और ये आपका 25 में आता है, रेशियो, और ये कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या कर सकते हो, 10 मार्क्स पे 6 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, कोई भी 5 से 6 चैप्टर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो अर्थमेटिक के, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक के, तो 5 से 6 चैप्टर्स आप स्ट्रॉन्ग कर लो अर्थमेटिक के, चाहे वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो, मिक्सचर हो, वर्क इन टाइम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, पाइप एंड सिस्टर्न हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो, तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 5 to 6 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो, कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के आप उसको विद एक्यूरेसी, ठीक है, राइट एक्यूरेसी आप उसको कर सको। अब कर लेते हैं यहाँ पे 25 मार्क्स की बात, ठीक है। 25 में से इसमें क्या रहेगा, डीआई। डीआई में किस टाइप के डीआई आते हैं, पाई चार्ट आता है, टेबुलर आता है, लीनियर आता है, केसलेट डीआई भी पूछा जाता है एंड मिसिंग डीआई भी पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, देखिए जितने भी टाइप की डी आई है सबसे पहले सारे सॉल्व करके जाना है, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग डी आई देते हैं, किसी में पाई चार्ट दे दिया, किसी में टेबुलर दे दिया, किसी में लाइन ग्राफ दे दिया, और साथ ही साथ अगर 10 मार्क्स का डी आई दे रहे हैं वो, तो जरूरी नहीं है कि दोनों डी आई आपके पाई चार्ट, टेबुलर या लाइन आ जाए। कई बार क्या होता है, एक पाई चार्ट दे दिया, एक केसलेट दे दिया, एक टेबुलर दे दिया और एक मिसिंग डी आई दे दिया, ऐसे में पेयर्स में उन्होंने आपका डी आई दे दिया। सो यहाँ पे क्या करना है, 5 सेट लगाने हैं आपको डी आई के, एक पाई चार्ट का, टेबुलर का, लाइन का, केसलेट का, मिसिंग डी आई का, राइट। इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करने करके जाने हैं, पाई चार्ट के आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 10 सेट आपको सॉल्व करने हैं, हर टाइप का पाई चार्ट सॉल्व करना है, ऐसे आपको टेबुलर में करना है, लाइन में करना है, केसलेट और मिसिंग में करना है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी डी आई की बात, डी आई बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो तो बहुत स्कोरिंग यहाँ पे निकल के आ जाते हैं मार्क्स आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इजी कहने को आप बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर होता है, सो 5 मार्क्स यहाँ पे फ्री के होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। नंबर सीरीज, ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में नंबर सीरीज आए, ज़रूरी नहीं है हर शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, होता है कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, कभी नंबर सीरीज, तो दोनों आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नंबर सीरीज के भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर SBI क्लर्क, इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, अब आता है आपका सिंप्लीफिकेशन।
ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये भी देखने को मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हर बच्चा करके आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के आप फ्री में रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपका 15 मार्क्स का आपको यहीं से मिल जाए। फिर बाकी के जो आपके अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ से आप 5 to 6 मार्क्स लाते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेफ अटेम्प्ट कितने रहते हैं, 35 में से यहाँ पे 33, ठीक है, 31 से 33। मैं 30 से नीचे नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ होने वाला है। फॉर्म इस बार बहुत सारे फिल हुए हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करें तो, इसलिए 30 से नीचे किसी भी सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। एवरेज 30 तो रखना ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के वो मैंने अपनी चैनल पे कराए हैं, बेसिक बहुत अच्छे से कवर किया है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्वांट के, तो जाके चेक कर सकते हैं। रीजनिंग के भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने सारे चैप्टर्स कवर कराए हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। मैं इंग्लिश अपने चैनल पर कवर नहीं कराती हूँ, बट क्वांट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरे चैनल पर कवर होती है। सो इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कि अगर आप थोड़े से इंग्लिश में वीक सब्जेक्ट है तो आप किस किस को अच्छा कर सकते हो। रीडिंग कंप्रिहेंशन आप अच्छे से तैयार कर लो, क्लोज टेस्ट अच्छे से तैयार, वोकैब कर लो, ठीक है, 50 आप वर्ड्स आप रीड कर सकते हो डेली बेसिस पे, फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर सकते हो, वर्ड स्वैपिंग अच्छे से आता है, एरर डिटेक्शन आपका अगर ग्रामर अच्छी है तो एरर डिटेक्शन आप सही से कर लो, और आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो आप उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इंग्लिश में कहने का मतलब है अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप 23 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 23 से 25। बहुत स्ट्रांग है तो 27 से नीचे आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 27 तो एटलीस्ट करके ही आना है, चाहे कैसा भी आपका पेपर हो इंग्लिश में, बट एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करके आना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है एग्ज़ाम देते टाइम पे। देखिए इंग्लिश में बता दूं पहले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग आपका, जैसे कि स्पॉटिंग एरर है, ठीक है, एरर डिटेक्शन का जो पार्ट होता है वो है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे, और उसके बाद में आप जाओगे रीअरेंजमेंट पे, इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर ईजी आता है तो आपका बहुत टाइम नहीं लेता है, बट अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो ये बहुत टाइम ले लेता है, राइट। अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने क्या बताया था, अर्थमेटिक का जिसका बहुत स्ट्रांग है, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लेते हो तब तो आप अर्थमेटिक के पास जाओ। अदरवाइज पहले आप क्या करोगे, 25 का जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, DI है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जाओगे, अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं है तो, राइट। क्योंकि अर्थमेटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस सारा टाइम अगर आप इसमें घुसा दोगे तो 25 मार्क्स भी आपके चले जाएंगे, ठीक है। सो एग्जाम को अटेम्प्ट ऐसे करना है। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो, ठीक है। तो ध्यान ये भी देना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का सोचना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में, आपका 15 मार्क्स के तो आपके ये हो गए और 20 मार्क्स के आपके स्मॉल क्वेश्चंस हो गए। देखिए 15 मार्क्स में जो आपके 5-5 के सेट्स में क्वेश्चंस आते हैं इनको तो आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रीजनिंग में ले लिया 5 मार्क्स का एक पजल है, ठीक है, और बाकी के जो यहाँ पे बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में आपका क्या क्या आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी देखने को मिलता है, ऑर्डर रैंकिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है, इनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके 20 मार्क्स में आ जाते हैं, बट यहाँ पे यहाँ से तो सब कर लेते हैं, बट सिलेक्शन कहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है। ये तो सब अटेम्प्ट करके आएंगे, बट आपको क्या करना है, अपना पजल का पार्ट स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। पजल का जो पार्ट है आपका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
सारे वैरायटी ऑफ पजल्स आपको सॉल्व करने हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मंथली आपका पजल आता है मंथली बेस पे, और वीकली बेस पे आएगा, ऑड एंड इवन नंबर पे आ जाता है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस पे आपका पजल पूछे जाते हैं, ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल आता है, ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल आता है, प्रोफेशन बेस्ड पजल आ जाता है। जैसे यहाँ पे थ्री वेरिएबल पजल आ जाता है, लाइक सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए, ए का प्रोफेशन आपका डॉक्टर है और ये थर्ड फ्लोर पे रहता है, इस टाइप के आपके पजल्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दो वेरिएबल में आए, एक वेरिएबल में आए, या फिर तीन वेरिएबल में भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर पेपर टफ बनाना हो तो, राइट। तो कोशिश करना है कि 10 मार्क्स यहाँ से ले लो, 15 में से एटलीस्ट 10 नहीं ले सकते तो 7 मार्क्स यहाँ से लेने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होता है, ये तो सब करके आ जाते हैं, सिलेक्शन यहीं से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का, भी मैंने बता दिया कि 10 आपका अर्थमेटिक आता है, 25 मार्क्स के आपके डीआई और सिंप्लीफिकेशन ये सब आते हैं, तो ये तो सब कर लेते हैं 25 मार्क्स का, बट सिलेक्शन यहीं से होता है अर्थमेटिक से। तो आपको ऐसे चैप्टर्स तैयार करके जाना है जिसमें से आप 5 से 6 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, क्योंकि एक चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है एग्जाम देने के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर मेन्स एग्जाम, ठीक है। देखिए क्लर्क का एग्जाम है तो लेवल आपको पता है प्रिपेयर करके कैसे चलना है, ठीक है। बैलेंस मैं बता देती हूँ कैसे करना है। जब भी आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी शुरू करते हो तो प्री एग्जाम में आपका लेवल तो थोड़ा सा कम आता है, मेंस में अर्थमेटिक सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो अगर आपका बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में अगर एक क्वेश्चन दिया है तो उसी से निकाल के आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डेटा सफिशिएंसी होता है आपका, डीआई अच्छी खासी पूछी जाती है मेंस एग्जाम में, तो थोड़ा सा लेवल भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करके चलना है आपको कि आपको मेंस एग्जाम भी देना है आगे जाके, ठीक है। तो लेवल अच्छा खासा प्रिपेयर करके चलना है, जैसे ही प्री अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके चलना है, क्योंकि आपको आगे मेंस भी देना है, तो इस लेवल का भी करना है। तो आप कैसे कर सकते हो बैलेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने हैं, आपको देखना है कि मेंस का पेपर कैसे आता है और प्री का पेपर कैसा आता है, तो उस लेवल से आपको बैलेंस करके चलना है। आपका एक पार्ट ऐड हो जाता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसका भी मैं बता देती हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर, जो आपका कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। वेटेज आपका करंट अफेयर का कितना रहता है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देखिए 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल मार्क्स आपका 50 आता है, 35 मिनट लगते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। अगर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन आपके, 40 से 45 क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि डायरेक्ट वन लाइनर पूछ लिया, अब कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपका वन लाइनर से काम नहीं चलता, आपको न्यूज के अंदर तक घुस के मतलब सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए न्यूज की, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आपकी न्यूज आती है, आर्टिकल्स होते हैं तो आप उनको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ तरीका न्यूज कैसे पढ़ना है। जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होती है, फाइनेंशियल, बजट, रेलवे, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, और इन सब से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो आपको कभी स्किप नहीं करना है। ये सारी जितनी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड होती हैं तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। प्लस बैंकिंग अवेयरनेस आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निकल आते हैं। लाइक आरबीआई के बारे में अच्छा पता होना चाहिए कि आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, इनके रोल्स क्या होते हैं, नाबार्ड के रोल्स क्या होते हैं, एनएचबी, बैंकिंग एक्सचेंज, रेपो रेट, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है 2 से 3। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आगे जाके भी आपके काम में आती है। लेट सपोज अगर आप SBI PO का एग्जाम देते हो तो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस तब भी पूछे जाते हैं, राइट। तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। अब बता देती हूँ मैं आपको, 40 तो ये हो गया करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर में क्या आता है, एक और पार्ट ऐड हो जाता है स्टैटिक्स का।
ठीक है, स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है क्लियर कट में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, बुक्स आते ही आते हैं, एक नंबर का आपका बुक्स का पूछा ही जाता है कि ये बुक किसने रिलीज की, ये बुक किसने पब्लिश की, ठीक है। और डेट, इस दिन कौन सा डेट होता है, 15 अक्टूबर को कौन सा डेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपका आता है अवॉर्ड्स, अगर कोई अवॉर्ड है, ठीक है, ऑस्कर है या किसी मूवी से रिलेटेड है, तो कभी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक नेशनल पार्क आपका ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्ट फेवरेट होता है बैंकिंग के लिए। हर शिफ्ट में एक ना एक नेशनल पार्क आपको पूछा ही जाता है, तो ये 1 मार्क्स जो होता है वो फ्री का होता है। कई बार क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं नेशनल पार्क के, तो आपको पूरा लिस्ट बना के रखनी है नेशनल पार्क की, सारे स्टेट होने चाहिए आपके, ठीक है, टिप्स पे, और उनके जितने भी नेशनल पार्क हैं जो कभी सुनाई में भी नहीं दिए वो आपके नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे के फाउंडर गवर्नर जो भी आपके ये चेंज होते हैं रिसेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कौन से स्टेट में, ठीक है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, कौन सा लेक के बारे में कोई अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो ऐसी न्यूज़ है, ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ भी आपकी बहुत मतलब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका, अब आपको कैसे पढ़ना है, जिनकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आदत नहीं होती है आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की, ठीक है, जिनको डेली करंट अफेयर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी बता देती हूँ। PDF पढ़ सकते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप ना पढ़ें, ठीक है, वीकली बेसिस पे ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या डेली बेसिस पे, बट जिनको आदत बिल्कुल हैबिट नहीं है तो वो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे अपना PDF पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है। और एक और चीज़, न्यूज़पेपर एंड PIB की जितनी भी आपकी न्यूज़ मिलती है वो आपको ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। ये बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो डेली न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उनका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, राइट, उनका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आपने मेरे चैनल, ओके, सो यही था, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड एक और बात मैं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को स्किप करके मत जाना एग्जाम में। मॉक टेस्ट एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके जाना है, और ऐसे ही नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है, 20 मॉक टेस्ट आपको ऐसे सॉल्व करके जाना है कि उनका एनालिसिस भी करना है कि आपकी स्पीड अच्छी आती है या आपको क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर भी डेली पढ़ना है, और जितनी भी आपकी अर्थमेटिक का सेक्शन है और आपकी रीजनिंग का सेक्शन है, सारी की सारी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको जाके जरूर चेक कर लेना। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। इस बार जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पाया लास्ट ईयर उनका इस ईयर में सिलेक्शन हो, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और रीजनिंग एंड क्वांट की क्लासेस भी मेरे चैनल पे होती हैं वीकली बेसिस पे, तो जाके आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर SBA क्लब 2021 रीजनिंग के लिए मैं अपलोड करूँगी, तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर से चेक कर लेना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तब ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट अपडेट आती हैं, चाहे वो आपका रिजर्व लिस्ट से अपडेट हो, ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो आपको वो भी अपडेट मिलेंगी मेरे चैनल पर, सो जाके चेक कर सकते